श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल मेन रोड स्टील गेट गुरु कृपा शोरूम के बगल में सरायढेला धनबाद। यहाँ पर आधुनिक मशीन के द्वारा गॉल ब्लडर स्टोन अपेंडिक्स ट्यूमर सिस्ट पाइल्स फीसर और भगंदर का ऑपरेशन सबसे न्यूनतम खर्च पर श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर 9065326335 है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वादा खिलाफी के खिलाफ गोलबंद हुए पारा शिक्षक। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों को स्थानीयकरण करने का वादा किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद पारा शिक्षकों का स्थायीकरण व वेतनमान नहीं किया गया, जिसको लेकर पारा शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही साथ आगामी 1.5 वर्ष के भीतर विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पारा शिक्षक अपनी रणनीति को तैयार करते हुए बलियापुर प्रखंड के 10+2 हाई स्कूल के में एक अहम बैठक बुलाकर रणनीति तैयार करने की भूमिका निभाई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था वह वादा पूरा नहीं किया। इस दौरान हम लोगों ने कई आंदोलन किए, लेकिन हेमंत सोरेन की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटी है, जिसको लेकर हम सभी पारा शिक्षक आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। साथ ही साथ आगामी चुनाव में हेमंत सोरेन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। सीधा उद्देश्य है कि बिहार के तर्ज पर हम लोग को वेतनमान चाहिए। विगत 20 साल से हम लोग इस राज्य को जो है शिक्षा स्तर को जो है 42% से 86% तक हम लोग पहुँचा दिए हैं। पूरा राज्य गठन के बाद से पारा शिक्षक ही एक रीढ़ रहा है शिक्षा जगत में, ये सरकार भी मानती है, लेकिन जब हम लोग वेतनमान का मांग करते हैं तो उसमें हम लोग को छलावा दिया जाता है 2000 या 4000। इस बार मानने वाले नहीं हैं। सामने विधानसभा चुनाव 2024 है। सरकार यदि हम लोग को विधानसभा चुनाव से पूर्व वेतनमान नहीं देती है तो यह सरकार को भुगतना निश्चित है। और इससे हम लोग एक मैसेज भी देना चाहते हैं सरकार को कि अभी आपके पास समय है, आप यदि चाहिएगा तो हम लोग को 2024 से पूर्व जो है यहाँ का झारखंडी स्थानीय मूलवासी आदिवासी पारा शिक्षक है, हम लोग को आज सहायक अध्यापक के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया है। इस तरह का नियमावली को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग को वेतनमान चाहिए, आप वेतनमान दीजिए। बहुत सारे साथी हमारे रिटायर हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसका परिवार भूखे मर रहा है, 1 रुपया उसको देने वाला कोई नहीं है। वेतनमान के रूप में क्या चाह रहे हैं अभी? वेतनमान हम लोग का जैसे विगत 20 साल से जैसे कार्य अनुभव है हम लोग पास, हम लोग आकलन देना चाह रहे हैं। आकलन के तर्ज पर आकलन से जैसे बिहार में वेतनमान दिया गया, हम लोग भी चाहिए यहाँ पर वेतनमान दीजिए। वेतनमान रहने से जो है हम लोग को जो भी समस्या है उसमें EPF है, कल्याण कोष है, रिटायरमेंट है, पेंशन है, सारा सुविधा हम लोग को मिलेगी। और यह सरकार को हम लोग अल्टीमेटम अंतिम चेतावनी के रूप में देने जा रहे हैं। पूरा राज्य हम लोग गोलबंद हो रहे हैं। यदि हम लोग को सरकार यदि 2-3 महीने के अंदर संज्ञान नहीं लेती है तो 15 नवंबर में जिस तरह का हम लोग रघुवर दास को काला झंडा दिखाए थे, इस सरकार को भी दिखाएंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। कोई हमारा कोई सूत्र नहीं है। झारखंड के पारा शिक्षक सहायक अध्यापक भी कह सकते हैं, सहायक अध्यापक का नाम दे करके हम लोगों को झुंझुना का एक निवाली थमा दिया गया है राज्य सरकार से। आज यही हेमंत सरकार को बनाने में हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया और ये कहे भी थे, इनका हर सभा में ये कहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही 3 माह के अंदर में पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करते हुए हम वेतनमान देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि अब मात्र इनका कार्यकाल 1.5 वर्ष बचा हुआ है और अभी तक वो जो वादे हम लोग से किए थे कि हम 3 माह के अंदर में आप लोगों को वेतन मान देंगे, वो वादे आज भी पूरा नहीं किए हैं। निराश हैं, हताश हैं पारा शिक्षक इनका रवैया को देखते हुए, लेकिन आशा कहीं ना कहीं उम्मीद है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हमारे राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतन मान देंगे। इनको लेकर के आज हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और एक मांग हमारे बिहार के तर्ज पर वेतन मान है, ये मांगे निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को पूरा करनी होगी, अन्यथा उलगुलान किया जाएगा।